नाम पुण्य से भी होता है और वंश से, और वंश निचाले जब ये करोड़ों रुपये एक तरफ रह जाए। आदमी कोई नौकरी करे है, कोई व्यापार करे है, कोई मजदूरी करे है, तो वो सिर्फ इस वजह से आगे वंश खातर अपने बालका खातर। एक इंसान नहीं, जीव जंतु भी कमा के ले आए हैं चौगा पानी भोजन अपने बच्चों के लिए, और वो बालक के ना हो, वंश नहीं चला दे फिर क्या ने खेड़ा करना ही हो। सत्युग का जिक्र है, अवधपुरी के राजा थे राजा उत्तानपाद, उसकी रानी का नाम सुनीति। राजा साहब लगभग 90 साल के हो गए, संतान नहीं हुई। संतान नहीं होते के भीतरले में चांदना होश है। वो तो एक राजमहल था, झोपड़ी वाले का भी बालक हो, ओ पोता के दे आग में पा दे ले, के दे दादा का आंगली ला दे, के दे गिलास खंडा दे, जी साला कह रहे। और ना तो राजमहल में भूत से बोलते दिखे। रानी सुनीति सूख के लाकड़ होगी, एक दिन नारद जी राजमहल में आ जाते हैं। सुनीति रोने लग जाती के महाराज, इस राजपाट का, इस धनदौलत का क्या होगा, कोई वारिश नहीं, कोई इलाज बताओ महाराज। बोला बेटी, इसका इलाज एक ही है कि राजा की दूसरी शादी। बोली महाराज, इस उम्र में इसके पांत कब्र में लटके हैं, दूसरी इब किसके बालक का गल मौसम में, ऊंच नीच ने भी समझा करते। कहां 18 साल की लड़की को इलाविदीर की 90 साल, और महाराज जी यो काम हो भी गया, कर भी दिया, तो मेरा केरा होगा। बोले बेटी, तेरे भी लड़का जब वो होगा, जब रात जाकर दूसरी रानी आ लेगी। और नारद जी रानी सुनीति को क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, ooh।
एक सर बिन हो सुनी क्यारी, व्यक्ति सामने खड़ा हो तो अपने दिल की बात कहता आदमी है चिक जा है। थोड़ी सी दबसी गई रानी, नोबली महाराजा आप कहो तो सो के झूठ बोलते होगे, पर यह बात के मेरे गले में उतर सी ना रही। नोबले बेटी, ये विधि का विधान है, दूसरा ब्याह करवा राजा का उसका तो उत्तम होगा और तेरे धरु होगा, नाम तक बता दिए। और क्या कहा नारद जी ने, ए उनका सांगी बदनी हुए। पंडित मांगेराम ने ये कहा, भाई चला गया उल्टा ते नहीं आवे सारे के टो लिया, पर ये बता भाई हमने तो दादा देखा नहीं पर उसका जोड़ नहीं था कितने भी, कैसे कहा भला। अरे ओरी सांगी ने